नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनआर स्टडी में। कहानी इतिहास की मेरे साथ, मैं दिनेश निम्बावत। इतिहास को कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच ला रहे हैं। इतिहास को सरलता से कैसे समझा जा सके, आज बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कितना सफल हुआ, इसके कारण, इसकी परिस्थितियां कैसे बनी, आज असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन की परिस्थितियां कैसे बनी, ऐसा क्या कारण रहा, ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। ये आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। इसके कारणों की बात करते हैं। सोचनीय आर्थिक स्थिति पहला कारण था। युद्ध काल में अत्यधिक धन खर्च करने के कारण देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। महंगाई के कारण जनसाधारण के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया था। अकाल और प्लेग का प्रकोप, 1917 में देशवासियों को अकाल और प्लेग आदि के प्रकोप का सामना करना पड़ा। लाखों लोग अकाल और प्लेग के कारण मौत के मुंह में चले गए। और एक कारण 1919 के माउंटफोर्ड सुधारों से असंतोष, देखो लॉर्ड माउंटफोर्ड था, उसके जो सुधार थे उससे असंतोष था। 1919 का जो एक्ट था उससे, देखे कैसे 1919 के माउंटफोर्ड सुधार भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके, अतः भारतवासियों में तीव्र असंतोष व्याप्त था। रोलेट एक्ट भी एक कारण था। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में भारत के राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए रोलेट एक्ट पास किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए जेल में अनिश्चित काल तक बंद किया जा सकता था। गांधी जी ने एक्ट का घोर विरोध किया। उनकी अपील पर 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल रखी गई। एक और साथ में बहुत बड़ी घटना हुई, मेन कारण वो भी माना जाता है इस असहयोग आंदोलन का कारणों में, बहुत बड़ी घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई। इस सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति उपस्थित थे। जनरल डायर ने भीड़ को तितर बितर होने के लिए 3 मिनट का समय दिया और इसके बाद सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस गोली कांड में 379 व्यक्ति मारे गए तथा 1200 व्यक्ति घायल हो गए। गांधी जी को इस हत्याकांड से प्रबल आघात पहुंचा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाने का निश्चय कर लिया। अब देखिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट से निराशा। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। हंटर कमेटी ने अंग्रेज अधिकारियों का ही पक्ष लिया। जनरल डायर को केवल नौकरी से हटा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं की प्रशंसा की। जनरल डायर को मान की तलवार तथा 2000 पौंड की राशि भेंट की गई। हंटर कमेटी की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति 15 अप्रैल 1919 को पंजाब के 5 नगरों लाहौर, कसूर, गुजरावाला, शेखपुरा, वजीराबाद में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। अमृतसर के लोगों पर भारी अत्याचार किए गए तथा हजारों देशभक्तों को जेल में बंद कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन भी कारण था। ब्रिटिश सरकार के विश्वासघात से भारतीय मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया।
गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में, दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अब देखिए असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस तरीके से क्रियान्वयन हुआ, किस तरीके से चला, बात इसकी करते हैं, इसके कार्यक्रम की कहानी देखते हैं असहयोग आंदोलन की। सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का बहिष्कार करना, ये कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए। देखिएगा सरकारी दरबारों, उत्सवों तथा स्वागत समारोह में भाग न लेना, सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा अपने पदों से त्याग पत्र देना, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार करना, सैनिक क्लर्कों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया में नौकरी के लिए न जाना। देखिए इसके अतिरिक्त और भी कई कार्यक्रम थे, रचनात्मक कार्यक्रम, जिन पर भी बल दिया गया था। देखिए उनमें क्या क्या बातें थी, शराब का बहिष्कार करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करना, आपसी विवादों को सुलझाने के लिए जनता की पंचायतों की स्थापना करना, छुआछूत का उन्मूलन, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हथकरघा तथा बुनाई उद्योगों को प्रोत्साहन देना, सरकार को करों की अदायगी न करना। असहयोग आंदोलन की प्रगति, शीघ्र ही संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी के आह्वान पर हजारों देशभक्त आंदोलन में कूद पड़े। विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, कॉलेजों आदि का बहिष्कार किया गया। इस आंदोलन में हजारों हिंदुओं एवं मुसलमानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्रंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली, मोहम्मद अली, लाला लाजपत राय आदि अनेक प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया। 1921 ईस्वी के अंत तक लगभग 60,000 व्यक्तियों को जेलों में बंद कर दिया गया। अब देखिए इस असहयोग आंदोलन का स्थगन कैसे हुआ। एक समय चरम सीमा पर पहुंच चुका था, उसके बाद ऐसी क्या स्थिति बनी कि इसको स्थगित करना पड़ा, जानिए हम इसकी कहानी जानते हैं। इसका स्थगन कैसे हुआ, चोरा चोरी कांड और आंदोलन का स्थगन। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक गांव में आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को आग लगा दी, जिससे एक थानेदार तथा 21 सिपाही जीवित जल कर मर गए। इस हिंसात्मक घटना से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने से देशवासियों में निराशा छा गई। अनेक राष्ट्रीय नेताओं जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि ने आंदोलन स्थगित करने की कटु आलोचना की। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 के कारावास की सजा दी गई, परंतु बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अब देखिए स्थगन तो हो गया, अब इस असहयोग आंदोलन का फिर भी महत्व रहा, इसने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की, क्या कि उनकी कहानी को हम जानते हैं। देखिएगा जन आंदोलन सबसे पहला महत्व इसका यह रहा, असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था, वो जन आंदोलन बन गया। कूपलैंड लिखता है, क्या लिखता है ध्यान से आप सुनिएगा, कूपलैंड लिखता है, गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया, ये कहते हैं कूपलैंड। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं जनप्रिय भी बना दिया। राष्ट्रीयता का प्रसार, असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रसार किया। देश के भिन्न भिन्न भागों के लोग राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। साहस, निर्भीकता, त्याग और बलिदान की भावनाओं का संचार, असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में साहस, निर्भीकता, त्याग तथा बलिदान की भावनाओं का संचार किया। अब जनता निर्भीक हो गई और अब लोगों को जेल जाने से कोई डर नहीं लगता था। अब जेल जाना देशभक्ति का चिन्ह समझा जाने लगा। स्वराज्य की मांग का प्रबल होना,
असहयोग आंदोलन के कारण स्वराज्य की मांग प्रबल हुई। अब स्वराज का संदेश घर घर पहुंचने लगा और बच्चों के मुंह से भी स्वराज शब्द सुनाई देने लगा। कांग्रेस की नीति में भी परिवर्तन हुआ। देखिएगा किस तरह, पहले कांग्रेस केवल संवैधानिक साधनों पर ही बल देती थी, परंतु अब उसने राजनीतिक अधिकारों एवं स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बहिष्कार जन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि का सहारा लेना शुरू कर दिया। भविष्य के जन आंदोलन की नींव रखना, असहयोग आंदोलन ने भविष्य के जन आंदोलन की नींव रखी। कांग्रेस ने जो बाद में स्वतंत्रता आंदोलन चलाए, उसी दिशा में बड़ा भारी कदम था। माइकल ब्रिकेट लिखता है, क्या कहता है देखिएगा। माइकल ब्रिकेट कहता है कि यद्यपि आंदोलन स्थगित हो गया, परंतु लोग उसकी मानता की स्मृति को भूल ना सके और कुछ ही समय बाद इस स्मृति ने राष्ट्र को एक और व्यापक तथा गंभीर आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी। स्वदेशी का प्रसार कैसे हुआ? देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। इसे स्वदेशी का खूब प्रचार हुआ, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन मिला। असहयोग आंदोलन के कारण स्वदेशी के प्रयोग, चरखा चलाने, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत के उन्मूलन, शराबबंदी आदि के रचनात्मक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिला। तो दोस्तों, ये कहानी थी असहयोग आंदोलन की, कि किस कारण से इसकी स्थिति बनी, इसके कारण रहे और इसके महत्व क्या क्या रहे। आज की कहानी में बस इतना है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही इतिहास की कहानियों को आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। नमस्कार।